जय भारत दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल CSF Mentors पे स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है पाइप एंड सिस्टर्न यानी कि पाइप और टंकी के प्रश्न देखने वाले हैं। इसके पहले आपका वर्क एंड टाइम का चैप्टर हो चुका है, तो अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल किया फ्यूचर रोजगार, जरूर इंस्टॉल करें। वहां पे आपको CSF के लिए स्पेशल कोर्स जो है दिख जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक मिनट। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा क्या प्रश्न क्या कह रहा है। पाइप ए किसी टंकी को 20 मिनट में, पाइप बी उसे 30 मिनट में भरता है, जबकि पाइप सी भरी टंकी को 1 घंटे में खाली करता है। यदि खाली टंकी में तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो वह टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 20 मिनट, तो क्या कर रहा है, पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 20 मिनट। फिर पाइप बी कैन फिल इट इन 30 मिनट, पाइप बी इसको कितने मिनट में, 30 मिनट में। फिर आपका क्या कह रहा है, वेयर एज पाइप सी इम्प्टीज द फुल टैंक इन 1 आवर, यानी 60 मिनट में जो है क्या कर रहा है, पाइप सी इम्प्टी कर रहा है। अब कह रहा है इफ ऑल द थ्री पाइप्स आर ओपन सिमल्टेनियसली इन द इम्प्टी टैंक देन इन हाउ मेनी मिनट्स द टैंक विल बी फिल्ड। यानी अगर इन तीनों को क्या किया जाए, एक साथ खोल दिया जाए, क्या किया जाए, एक साथ खोल दिया जाए, तो हमारा टैंक कितने देर में भर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जब हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना होता है, आपको थ्री नंबर्स का एलसीएम लेना होता है। क्या सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 20, 30 और 60 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 20 ये आपका क्या है, दिनों की संख्या है, तो दिनों की समय है, समय निगेटिव हो नहीं सकता है। क्या समय जो है आपका निगेटिव हो नहीं सकता है, तो अब हम क्या करेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे 60 को 3 बार। ये क्या है, आपका काम है, ये भरने का काम कर रहा है तो पॉजिटिव काम होगा। 30 से डिवाइड करेंगे 2 बार, इसका भी पॉजिटिव काम होगा। 60 से डिवाइड करेंगे 60 को 1 बार, लेकिन इसका काम निगेटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि वह जो है टैंक को खाली कर रहा है, तो जो टैंक को खाली करेगा उसका काम क्या हो जाएगा, हमारा निगेटिव हो जाएगा। अब तीनों को कह रहा है एक साथ, तीनों को क्या कह रहा है एक साथ, तो तीनों का जो काम है ना इसको जोड़ लीजिए। तो जब हम +3 +2 और -1 को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, +3 +2 और -1 तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए +3 ++2 +-1। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, +3 रहेगा, +++ हो जाएगा, +और -, -हो जाएगा। 3, 2, 5 और 5 में से आपका ए आपका माइनस है तो कितना हो जाएगा, 4। ए बी सी का काम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इस 4 से क्या करेंगे, हमारा ये जो टोटल यूनिट ऑफ वर्क है यानी टोटल काम जो है उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही हम 60 को 4 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन बी 15। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, पाइप ए किसी टैंक को 6 घंटे में भरता है, जबकि पाइप बी उसे 8 घंटे में खाली करता है। यहाँ पे एक भरने वाला है, एक खाली करने वाला। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी कितने समय में भरेगी। पाइप ए फिल्स ए टैंक इन 6 आवर्स, वेयर एज पाइप ए फिल्स ए टैंक इन 6 आवर्स, वेयर एज पाइप बी इम्प्टीज इट इन 8 आवर्स। पाइप बी क्या करता है, इम्प्टी करता है कितने आवर में, 8 आवर में। उसके बाद इफ बोथ आर ओपन टूगेदर देन इन हाउ मच टाइम विल द इम्प्टी टैंक बी फिल्ड। अब हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, 6 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि लघुत्तम समापवर्त 24 हो जाएगा। 6 से क्या करेंगे, भाग देंगे 4 बार, 8 से भाग देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, आपका 3 बार।
छह से भाग देंगे 24 में चार बार, आठ से तीन बार, जहां पे आपका ए का पॉजिटिव काम होगा, बी का निगेटिव होगा। क्यों बी का निगेटिव होगा? क्योंकि बी जो है आपका टैंक को खाली करता है। क्या करता है? बी टैंक को खाली करता है। अब इन दोनों का वर्क हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। हमसे यही तो पूछ रहा है, अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, यानी इफ बोथ आर ओपन टूगेदर, तो आप क्या करेंगे? प्लस फोर और माइनस थ्री, प्लस फोर और माइनस थ्री आपका क्या हो जाएगा? प्लस वन हो जाएगा। तो प्लस वन से हम क्या करेंगे? 24 को डिवाइड करेंगे। हमारा आंसर अगर पॉजिटिव में आता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि आपका जो है टैंक जो है क्या हो जाएगा? भरेगा। अगर यहाँ पे आंसर निगेटिव में आता तो इसका मतलब होता कि टैंक खाली हो जाता। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 24 क्या घंटा। चलिए इसको देखिए, कह रहा है किसी टैंक में 450 लीटर पानी डालने पर उसका 9/16 भाग ही भर पाता है, पूरी टंकी की मात्रा ज्ञात कीजिए। बाई पोरिंग 450 लीटर ऑफ वाटर इन ए टैंक, ओनली 9/16 ऑफ इट कैन बी फिल्ड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द होल टैंक। हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, किसी टंकी में 450 लीटर पानी डालने पर, क्या करने पे? किसी टंकी में 450 लीटर पानी डालने पे 9/16 तो 9/16 का वैल्यू क्या है आपका टंकी का? 9/16 का वैल्यू क्या है? 450 है। क्या है? 450 है। आपको पूरा 16 का वैल्यू बताना है तो 16 का गुणा कर दीजिए 450 में, और नीचे 9 आ जाएगा। अब पूरा टंकी का पता चल जाएगा, पूरी टंकी का पता चल जाएगा। 9 से कट करेंगे इसको 50, 50 का 16 में गुणा हो जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 800। क्या आंसर आ जाएगा भाई? 800 लीटर। चलिए, दो पाइप टंकी को क्रमशः 3 तथा 4 घंटे में भर सकते हैं, तथा एक निकास पाइप निकास नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगा? 2 pipes can fill the tank in 3 and 4 hours respectively, and an exhaust tap can empty it in 2 hours. If all the 3 taps are opened, then in how much time will the tank be filled? यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, क्या कह रहा है? 2 pipes can fill the tank in 3 and 4 hours respectively. मान लीजिए पहला टैंक ए है, दूसरा टैंक बी है, 3 और 4 आवर्स में भर दे रहे हैं। तीसरा निकास उसको क्या कर रहा है? 2 घंटे में खाली कर दे रहा है। मान लीजिए तीसरा आपका सी है, 2 घंटे में ये क्या कर रहा है? खाली कर दे रहा है। 3, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे, लिस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम सम ऑफ वर्थ, क्या आ जाएगा आपका? 12 आ जाएगा। 3 से इसको 4 बार, 4 से 3 बार, 2 से 6 बार। इन दोनों का काम क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इसका काम क्या हो जाएगा आपका? निगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह खाली करने का काम करता है। अब हमसे क्या कह रहा है? यदि तीनों नल खोल दिए जाएं, तो तीनों नल खोल दिए जाएंगे तो तीनों का काम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो 4 और 3 7, और 7 में जब -6 जोड़ेंगे, 7 में जब -6 आप जोड़ेंगे तो आपका इसका तीनों को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा? 1। इसी 1 से हम क्या करेंगे? 12 में भाग देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 12 घंटा। क्या आ जाएगा? 12 घंटा। 2 पाइप एक साथ किसी तालाब को 12 घंटे में भरते हैं, यदि अकेला पहला पाइप उसे 20 घंटा में भर सके तो अकेले दूसरा पाइप कितने घंटे में भरेगा? जब ऐसा प्रश्न रहे तो क्या करना है देखिए, 2 पाइप टूगेदर फिल ए पॉन्ड इन 12 आवर्स। मान लीजिए 2 पाइप है ए और बी, इसको कितने घंटे में भरते हैं? 12 घंटे में। कह रहा है यदि अकेला पहला वाला ए मान लीजिए इसको 20 घंटे में भरता है, तो दूसरा वाला यानी बी इसे कितने घंटे में भरेगा? फिर वही काम, एलसीएम ले लीजिए 60, ए और बी का काम निकालना है पहले, 12 से 60 में डिवाइड करिए 5, 20 से 60 में डिवाइड करिए 3। ये जो 3 आया ए का काम आया, ये जो 5 आया ए प्लस बी का काम आया। अब हम क्या करेंगे? हम इन दो व्यक्तियों के काम में से
एक व्यक्ति का काम घटा देंगे, यानी पांच में से क्या करेंगे, तीन का, पांच में से तीन घटा देंगे, हमें बी का काम पता चल जाएगा। तो बी का काम कितना आ जाएगा, पांच में से तीन घटाएंगे दो। अब इस दो से क्या करेंगे, हम टोटल काम में भाग दे देंगे, हमारा टोटल काम क्या है 60, दो से भाग दे देंगे, हमें पता चल जाएगा दूसरा जो है इसे कितने घंटे में भरेगा। एक पाइप किसी टैंक को 25 मिनट में भर सकता है और दूसरा 50 मिनट में खाली कर सकता है, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने देर में भरेगा। वन पाइप कैन फिल ए सिस्टर्न इन 25 मिनट्स एंड द अदर कैन इम्पटी इट इन 50 मिनट्स। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन सिमल्टेनियसली देन इन हाउ मच टाइम विल द टैंक फिल। क्या कर रहा है, एक पाइप 25 मिनट में भर सकता है, दूसरा 50 मिनट में खाली कर सकता है। चलो मान लो ए भरने का काम करता है, 25 मिनट में भरता है, बी खाली करने का काम करता है, 50 मिनट में खाली करता है। अब हमसे क्या कह रहा है, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 25 और 50 का एलसीएम लेंगे, 25 से 2 बार, 50 से 1 बार। अब हम क्या करेंगे, एक काम निगेटिव में एक काम पॉजिटिव में, दोनों को ऐड कर लेंगे। क्यों दोनों को ऐड कर लेंगे, कह रहा है कि इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन सिमल्टेनियसली, यानी दोनों पाइप को एक साथ जब खोला जाए तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें एक मिल जाएगा, उसी एक से 50 में भाग दे देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। चलिए, कह रहा है बराबर क्षमता के 15 पाइप किसी टैंक को 7 घंटे 7 दिन में भरते हैं, टैंक को 5 दिन में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंप की जरूरत होगी। 15 पंप्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी कैन फिल ए टैंक इन 7 डेज, हाउ मेनी एडिशनल पंप्स विल बी नीडेड टू फिल द टैंक इन 5 डेज। क्या करेंगे, देखिए बराबर क्षमता के 15 पंप कितने दिन में, 7 दिन में। अब हमसे कह रहा है टैंक को 5 दिन में भरना हो तो मैं मान लेता हूं एक्स एक्स पंप रहेंगे, कितने पंप रहेंगे, एक्स पंप रहेंगे, या आपसे अगर यहाँ कह रहा है कितने अतिरिक्त पंप, तो मान लो यहाँ पे 15 तो ऑलरेडी है, एक्स जोड़ लो इसमें, इस तरह से भी कर सकते हो, मान लो एक्स अतिरिक्त पंप है आपके। अब 5 से इसको कट करोगे 3 बार, 3 और 7 का गुणा 21, 21 बराबर 15 प्लस x, एक्स बराबर क्या जाएगा, 21 में से 15 घटा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा कि हमको 6 अतिरिक्त पंप की आवश्यकता होगी। एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, जब टंकी आधी भरी रहती है तो इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं, टंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा। ए टैप कैन फिल ए टैंक इन 6 आवर्स व्हेन द टैंक इज हाफ फुल, 3 more similar taps are opened. What is the total time taken to fill the tank completely? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए क्या कह रहा है, एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में, जब वह 6 घंटे में भर सकता है नल, तो जब टंकी आधी भरी रहेगी, यानी आधा कितने घंटे में भरेगा, 3 घंटे में। अब कितना आपका काम चाहिए, टंकी का 3 घंटे का काम करना है, क्या 3 घंटे का, और अब टैप कितने हो गए, 3 घंटे का मतलब क्या हो जाएगा, 180 मिनट। पहले एक टैप था, 3 टैप और आ गए, 4 टैप हो गए, 4 से भाग दे दो, यानी एक 45 मिनट, 3 घंटा ए लगा, 45 मिनट ए लगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 3 घंटा 45 मिनट लग जाएगा। चलिए, किसी टैंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है, 3/4 भाग मान लीजिए भरा हुआ है टंकी का, ए मान लीजिए इतना भरा हुआ है टंकी का, कह रहा है इसमें से 30 लीटर पानी निकाला जाए तो टंकी खाली हो जाती है, यानी अगर इसमें से हम 30 लीटर पानी निकालें तो ये टंकी खाली हो जाती है। टंकी की क्षमता कितनी है, 3/4 ऑफ द टैंक इज फुल ऑफ वाटर, इफ 30 लीटर्स ऑफ वाटर इज टेकन आउट फ्रॉम इट द टैंक बिकम्स एम्प्टी, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। यहाँ पे क्या मतलब हुआ, अगर इस 3 का वैल्यू कितना है आपका, 3/4 का वैल्यू क्या है, 30 है,
तो आपको एक की वैल्यू बतानी है। तो चार का क्या करिए, 30 में गुणा करिए और नीचे कर दीजिए आप 3, ये 3 नीचे, 3 से कट करेंगे 10, 10 और 4 का गुणा करेंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा, टैंक की जो क्षमता हो जाएगी कितनी, 40 लीटर। यदि किसी टैंक के एक तिहाई भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, तो उसके आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी आएगा। इफ ए टैंक इज 1/3 फुल, 1/3 का वैल्यू कितना है, 80, तो पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक की वैल्यू 240। अब हमसे कह रहा है कि अगर वो आधा भरा हो तब कितना पानी आएगा, तो इसका आधा करना है, यानी इधर भी 2 का भाग दे दो, इधर भी आपका क्या आ जाएगा, 120 लीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 120 लीटर। दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 80 मिनट तथा 120 मिनट में भर सकते हैं, यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी टंकी कितने मिनट में भर जाएगी। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, दोनों पॉजिटिव काम है। टू पाइप्स कैन फिल ए टैंक इन 80 मिनट एंड 120 मिनट, 80 मिनट 120, एलसीएम लेंगे हम दोनों का 240, 80 से 3 बार, 120 से 2 बार, दोनों का काम जोड़ देंगे जब मिल के काम करेंगे तो 5, 240 को 5 से भाग देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 48। क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 48 जो है आंसर हो जाएगा। चलिए, पाइप ए किसी टंकी को 10 घंटे में तथा पाइप बी उसे 8 घंटे में भरता है, दोनों को एक साथ खोल देने पर कितने घंटे पहले बी को बंद कर दिया जाए कि पूरी टंकी भरने में कुल 5 घंटे लगे। पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 10 आवर्स एंड पाइप बी इन 8 आवर्स, इफ बोथ आर ओपन टूगेदर, हाउ मेनी आवर्स बिफोर बी शुड बी क्लोज सच दैट इट टेक्स 5 आवर्स टू फिल द होल टैंक। क्या कह रहा है हमारा, ए 10 घंटे में, बी 8 घंटे में, देखिए ए 10 घंटे में, बी 8 घंटे, हमारा कह रहा है यहाँ पे कितने घंटे पहले बी को बंद कर दें कि पूरी टंकी भरने में 5 घंटे लगे। अब 10 और 8 का एलसीएम ले लीजिए 40, 10 से 4 बार, 8 से 5 बार। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 घंटे में पूरी टंकी भर रही है, यानी ये जो हमारा टोटल काम है कितने देर में हो रहा है, 5 घंटे में हो रहा है। तो ए कौन कौन सा जो टैप है आपका पूरा हमेशा काम कर रहा है, ए जो है हमेशा काम कर रहा है, तो 4 का गुणा किस में हम कर देंगे, 5 में कर देंगे, 4 का गुणा 5 में कर देंगे, क्या आ जाएगा, 20। यानी ए ने कितना काम किया, 20 काम किया, तो 40 में से 20 काम ए ने किया, तो शेष काम आपका किसने किया, बी ने, 40 में से घटा दो 20, और बी का पर घंटे काम कितना है, 5, इससे भाग दे दो, यानी बी ने कितना घंटा काम किया, 4 घंटा काम किया। अच्छा, मान लीजिए अगर कोई काम 5 घंटे चला हो और कोई व्यक्ति 4 घंटे काम किया हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने 1 घंटे पहले काम बंद किया था, क्या 1 घंटा पहले काम बंद किया था। तो अब यहाँ पे यही हमसे पूछ रहा है कितने घंटे पहले बी को बंद कर दें, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। एक विद्युत पंप एक टैंक को 3 घंटे में भर सकता है, किंतु टैंक में एक छेद होने के कारण वह टैंक को भरने में 4 घंटा लेता है, यह छेद टैंक के पूरे पानी को कितने घंटे में खाली कर सकता है। तो जब ऐसा आपको कहे कि कोई एक टैंक है जिसको 4 घंटे में भरा जा सकता है, लेकिन तली में छेद के कारण या टैंक में छेद के कारण आपका 6 घंटे में भरा जाता है, तो आपको कुछ मत करिए, यहाँ पे डायरेक्ट देखिए 4 और 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे दोनों का डिफरेंस, बस यही आंसर हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर रहता 5 घंटा और यहाँ पर रहता 7 घंटा, तो आप क्या करते, 5 और 7 का मल्टीप्लाई करते, नीचे 2 कर देते। मान लीजिए यहाँ पे आपका 8 घंटा रहता और यहाँ पे 12 घंटा रहता, तो 8 और 12 का मल्टीप्लाई करते आप और नीचे क्या है, 4 से भाग दे देते, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 3 और 4 का मल्टीप्लाई करिए, 1 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर क्या जाएगा, 12 घंटा। नल ए किसी टैंकी को 60 मिनट में तथा नल बी उसे 75 मिनट में भरता है, तीसरा नल उसे खाली करता है, तीनों नल को एक साथ खोल देने पर टंकी 50 मिनट में भर जाता है,
बताइए तीसरा नल सी टंकी को कितने मिनट में खाली कर देगा। टैप ए कैन फिल ए टैंक इन 60 मिनट्स, टैप ए 60 मिनट्स में, टैप बी 75 मिनट में। फिर क्या कर रहा है, तीसरा नल खाली करता है लेकिन उसका समय नहीं दिया है। तीनों नल यानी ए प्लस बी और प्लस सी 50 मिनट में। अब हम क्या करेंगे, 60 75 50 का एलसीएम ले लेंगे 300। 60 से 5 बार, 75 से 4 बार, 50 से 6 बार। ये हमारा ए प्लस बी प्लस सी का काम कितना आया, 6 आया। ए और बी का काम कितना आया, 5 और 4 जोड़िएगा 9 आ जाएगा। तो हमेशा क्या है, ज्यादा व्यक्तियों में से कम व्यक्तियों का घटाइएगा। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी 3 व्यक्ति हैं, यहाँ a और b 2 व्यक्ति हैं। तो a प्लस बी प्लस सी का काम कितना है, 6। यहाँ से आप क्या करेंगे, 5 और 4 का घटाएंगे, क्या आ जाएगा, -3। -3 आने का मतलब क्या है आपका, कि c का काम जो है आपका निगेटिव है, यानी -3 है। अब इसी -3 से आप टोटल काम को भाग दे दीजिए। जब आपका आंसर माइनस में आए, मैंने क्या बताया था, तब आपकी टंकी खाली होगी। देखिए कितने मिनट में खाली करेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 100 मिनट। एक नल किसी टंकी को 10 घंटे में, जबकि दूसरा नल उसे 5 घंटे में खाली कर देता है। यदि भरी हुई टंकी में दोनों नल को खोल दिया जाए, तो भरा टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगा। ए टैप फिल से टैंक इन 10 आवर्स। मान लीजिए ए आपका 10 घंटे में भर सकता है, बी उसको 5 घंटे में खाली कर सकता है। अब हम क्या करेंगे, 10 5 के एलसीएम 10, 10 से भाग देंगे एक बार, 5 से भाग देंगे 2 बार। अब आपका क्या है, बी जो है नकारात्मक काम करता है, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों मिल के काम कर रहे हैं ना, कह रहा है कि दोनों को खोल दिया जाए। इफ बोथ आर ओपन इन द फुल टैंक, तो क्या हो जाएगा, 10 में हम क्या करेंगे, 10 में जो है आपका भाग देंगे, किससे भाग देंगे, यहाँ पे 2 और एक और माइनस 2 जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यहाँ पे -1 से भाग देंगे, हमारा आ जाएगा -10। -10 आने का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा टंकी खाली हो जाएगा, और कितने घंटे में खाली हो जाएगा, 10 घंटे में। किसी टैंक के 1/4 भाग भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी आता है, यदि उसमें 180 लीटर पानी हो, तो उसका कौन सा भाग पानी से भरा है। When a tank is 1/4 full, it contains 135 liters of water. If it contains 180 liters of water, what part of it is filled with water? क्या कह रहा है, 1/4 जो है फुल है, और कितना पानी आता है, 135, तो पूरा भाग में कितना आ जाएगा आपका, 135 × 4 यानी कि 540। अब कह रहा है यदि इसमें 180 लीटर पानी है, इफ इट कॉन्टेंस 180, तो 180/540 कर दीजिए, जितना है और जितना उसकी पूरी धारिता, पूरी धारिता को, पूरा कैपेसिटी को नीचे लिखेंगे, 0 से 0 आपका क्या आ जाएगा, 18 से 54 कट जाएगा, 1/3 आ जाएगा। एक टैंक प्रथम नल के द्वारा 12 घंटों में एवं दूसरे नल के द्वारा 8 घंटों में भरी जा सकती है, उन्हें 5/2 घंटों तक खुला रखा जाता है, टंकी का भरा हुआ भाग क्या है। ए टैंक कैन बी फिल्ड बाय द फर्स्ट टैप इन 12 आवर्स एंड बाय द सेकेंड टैप इन 8 आवर्स, दे आर केप्ट ओपन फॉर 5/2 आवर्स, व्हाट इज द फुल पार्ट ऑफ द टैंक। क्या कह रहा है देखिए, एक टैंक प्रथम नल के द्वारा 12 घंटों में एवं दूसरे नल के द्वारा 8 घंटे में, उन्हें इतना घंटा खाली रखा जाता है, ए 12 घंटे में, बी 8 घंटे में। 12/8 का एलसीएम 24, 12 से 2 बार, 8 से 3 बार, तो दोनों का एक घंटे का काम कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए 5। अब क्या कह रहा है, उन्हें 5/2 घंटों तक खुला रखा जाता है, तो टंकी का भरा हुआ भाग क्या है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, 5/2, तो 5 × 5/2, ये आपका क्या हो जाएगा, 25/2, लेकिन क्या ये आंसर हो जाएगा, नहीं भाई, अब इस 24 में
हम 24 को नीचे लिखेंगे और इस 25 बटे 2 को यहाँ लिखेंगे, तो 2 यहाँ आके गुणा हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 25 बटे 48, कितना हो जाएगा 25 बटे 48, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक टंकी 9 घंटे में भरता है परंतु इसकी तली में एक छेद होने पर यह 1 घंटा अधिक लेता है। यदि टंकी पूरा भरा हुआ हो तो यह छेद कितनी देर में टंकी को खाली कर देगा। ए सिस्टर्न कैन बी फिल्ड इन 9 आवर्स बट इट टेक्स 1 आवर मोर, तब कितना लग जाएगा, 1 घंटा अधिक लगेगा तो 10 घंटा लग जाएगा, कितना लग जाएगा 10 घंटा लग जाएगा। और पहले कितना लगता था 9, अब जितना लगता है उसका गुणा करिए, दोनों का डिफरेंस 1, 1 से आपका 9 दहिया में 90, आंसर क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। 2 नल किसी टंकी को क्रमशः 6 घंटे 8 घंटे में भरते हैं, दोनों को एक साथ खोल दिया गया, पहले नल को कितने घंटे बाद बंद कर दिया जाए, पूरा टैंक 4 घंटे में भर जाए। टू टैप्स कैन फिल ए टैंक इन 6 आवर्स एंड 8 आवर्स रिस्पेक्टिवली, ए और बी 6 आवर्स और 8 आवर्स आपका रिस्पेक्टिवली। कर पूरा टंकी 4 घंटे में भर जाए, तो 6 और 8 का एलसीएम लेंगे, फिर वही 24, 6 से 4 बार, 8 से 3 बार। अब हमारा क्या कह रहा है, पूरा टंकी 4 किसको बंद कर दिया जाए, पहले को, यानी ए आपका पूरा 4 घंटा काम करेगा, 3 से 4 में गुणा करिए 12, 24 में से 12 काम किसने किया, बी ने किया, तो ए ने कितना काम किया 12 घटा दीजिए, 24 में से 12 घटा देंगे, ए का काम पता चल जाएगा 12, ए पर घंटे कितना काम करता है 4, यानी ए जो है कितना घंटा काम किया, 3 घंटा काम किया, यानी उसे 3 घंटा बाद क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। चलिए एक टंकी को एक नल ए 12 मिनट में तथा दूसरा नल भी 15 मिनट में, यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए और 3 मिनट बाद पहले नल को बंद कर दिया जाए, तो शेष टंकी को दूसरा नल भी कितने मिनट में भर देगा, शेष टंकी को पूछ रहा है। तो चलिए, ए टैंक कैन बी फिल्ड बाई ए टैप इन 12 मिनट्स, ए कितने देर में 12 मिनट में, बी कितने मिनट में 15 मिनट। अब कह रहा है यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, चलिए 12 और 15 के एलसीएम 60, 12 से 5 बार, 15 से 4 बार। अब कह रहा है कि दोनों को एक साथ खोला जाए 3 मिनट बाद, 3 मिनट में इनका काम कितना हो जाएगा, 5 और 4 जोड़ देंगे 9, और 1 मिनट में 9 काम, 3 मिनट में 27 काम। अब 60 में से 27 घटा देंगे, काम कितना बचा, 33 बचा, और व्यक्ति कौन बचा, ए को बंद कर दिया जाए, ए खत्म हो गया, अब बचा कौन है, बी, तो 33/4 आपका आंसर हो जाएगा, इतना मिनट में भर देगा, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। 2 पाइप ए तथा बी एक टैंकी को क्रमशः 30 मिनट तथा 40 मिनट में भर सकते हैं, दोनों पाइपों को एक साथ चालू किया जाता है, यदि टंकी को 24 मिनट में भरना हो तो दूसरे पाइप को कब बंद करना चाहिए। 2 pipes A and B can fill a tank in 30 and 40 minutes. A और B 30 और 40 minutes में, 30 और 40 का LCM 120, 30 से 4 बार, 40 से 3 बार। अब क्या कह रहा है, यदि टंकी को 24 मिनट में भरना हो तो दूसरा पाइप कब बंद किया जाए, तो यानी कि 24 मिनट जो है A पूरा काम किया, A जो है 24 मिनट काम किया, तो 24 और 4 यानी ए ने कितना काम किया, 96, 120 में से 96 घटा देंगे, इसका मतलब क्या हुआ, 120 में से 96 घटाएंगे, 24 काम जो है बी ने किया, तो 3 से भाग दे देंगे 24 में, यानी 8 मिनट बाद जो है टैंक बी को भरना पड़ेगा, कितने मिनट बाद बंद करना पड़ेगा, दूसरे पाइप को 8 मिनट बाद, क्योंकि 24 काम इसने किया है बी ने, तो कितना देर काम किया, 8 मिनट काम किया, फिर इसने बंद कर दिया। 3 पाइप किसी टंकी को अलग अलग क्रमशः 12 घंटे 15 घंटे तथा 10 घंटे में भर सकते हैं, यदि तीनों एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में भरेगी, देखो 12 15 10 एलसीएम हो जाएगा 60, 12 से 5 बार, 15 से 4 बार, 10 से 6 बार।
छह चार दस पांच पंद्रह, इसी से भाग दे देंगे जी, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 घंटा। क्या आ जाएगा? 4। दो नल भरे तालाब को क्रमशः 20 घंटे तथा 25 घंटे में खाली कर देते हैं, यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो भरा तालाब कितने घंटे में खाली हो जाएगा? दो नल भरे तालाब को क्रमशः 20 घंटे तथा 25 घंटे में खाली कर देते हैं, यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो भरा तालाब कितने घंटे में खाली हो जाएगा? तो 20 और 25 आप दोनों का एलसीएम ले लेंगे 100, 20 से 5 बार, 25 से 4 बार, 5 और 4 जोड़ के इसमें आप भाग दे दीजिए, क्योंकि यह इनका काम हो जाएगा। खाली करते हैं तो निगेटिव काम, खाली करते हैं तो काम कैसा हो जाएगा? निगेटिव। ये आपका 100/9 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। दो पाइप की सी टंकी को 20 या दोनों को बारी बारी से 1 मिनट के लिए खोला जाए तो पूरी टंकी कितने मिनट में भर जाएगी? टू पाइप्स कैन फिल ए टैंक सेपरेटली इन 20 और 25 मिनट्स, बोथ आर ओपन अल्टरनेटली फॉर 1 मिनट, इन हाउ मेनी मिनट्स विल द होल टैंक बी फिल्ड? यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, चलिए यहाँ पे क्या कह रहा है, बारी बारी से, मान लीजिए पहला वाला 20 मिनट में, दूसरा वाला 25 मिनट में, तो यहाँ पे एक साइकिल चलेगा, क्या चलेगा, एक आपका चक्र चलेगा। कैसे, ये 20 मिनट में 20, इनका एलसीएम ले लेंगे 100, अब क्या होगा, 20 से 5 बार, 25 से 4 बार, अब बारी किसकी आएगी, पहले ए की आएगी, पहले पहले मिनट में, पहले मिनट में क्या होगा, ए 5 काम करेगा, दूसरे मिनट में बी 4 काम करेगा, फिर ए आएगा, फिर बी, तो यानी एक चक्र में कितना मिनट हो गया आपका, एक साइकिल में कितना मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, एक साइकिल में कितना मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक साइकिल में काम कितना हो गया, 9, इस 9 से क्या करेंगे, 100 में भाग दे देंगे, तो आपका कितनी बार पूरी तरह चला जाएगा, कितना बार पूरी तरह चला जाएगा, आपका 11 बार पूरी तरह चला जाएगा। फिर बारी किसकी आएगी, इसकी आ जाएगी, काम कितना बचा है, एक काम बचा है, यानी 11 प्लस और बारी किसकी आ जाएगी, एक की। अब इसी से हम क्या करेंगे, 11 का देखिए, ये तो 11 चक्र होगा और मिनट जब जोड़ेंगे तो 11 का 2 गुना 22 मिनट हो जाएगा। कैसे, एक चक्र बराबर 2 मिनट, तो 11 चक्र बराबर 22 मिनट, और इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 22 × 5 = 110, 111/5 हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 111/5 ऑप्शन सी। किसी टंकी में 350 लीटर पानी भरा है, यदि टंकी का 3/10 भाग खाली हो, जैसे मान लो ये टंकी है आपका, इसमें कितना भरा है, 350 भरा है, और कह रहा है खाली कितना है, 3/10, ये 3/10 आपका खाली है, तो भरा वाला कितना है, 1 − 3/10 करेंगे, आपका आ जाएगा 7/10, ये आ जाएगा भरा वाला, 7/10 का वैल्यू कितना है आपका, 350 है, तो पूरा का वैल्यू निकाल लीजिए, 350 × 10 और बटे में आपका 7, 7 से कट करेंगे 50 बार, 50 का 10 में गुणा होगा, हमारा क्या आ जाएगा, लेकिन हम 500 लीटर आ जाएगा, हमसे पूछ रहा है कितना डालना पड़ेगा, तो 500 में से 350 घटा देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 150 लीटर। तो यहीं तक जो है इस आपका क्वेश्चन थे, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा अपने दोस्तों के पास जो है हमारा चैनल को जरूर शेयर करें और कोर्स के बारे में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।